नमस्कार, मैं स्नेहा आपकी होस्ट एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी एक ऐसी कहानी है जिससे हमें ये पता चलता है अच्छाई सच्चाई कभी भी खाली नहीं जाती, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरह उसका फल प्राप्त हो ही जाता है। आज की ये कहानी है गगन की। गगन जो कि एक मेहनती सच्चा ईमानदार इंसान था, जो कि दिल से बहुत ही साफ इंसान था, जो कभी भी किसी की भी मदद करने में पीछे नहीं हटता था। गगन से जितना जो भी जिसके लिए भी बन पड़ता, गगन हमेशा सबकी मदद किया करता था। वो भलाई और अच्छाई का एक अच्छा एग्जाम्पल था उस वक्त पर। गगन ये सारी चीज़ें तो करता था, लेकिन गगन ना तो किसी भगवान में मानता था और ना ही किसी और शक्ति में। गगन सिर्फ और सिर्फ कर्म में मानता था। वो कर्म प्रधान इंसान था। गगन ऐसे ही उसकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल ही रहा था। ऐसा नहीं था कि गगन की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी थी। उसके घर की कंडीशन ऐसी थी कि काम जैसे तैसे हमेशा चल ही जाया करता था। लेकिन इसके बाद भी गगन से कभी भी कोई भी किसी भी तरह की मदद मांगे, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो या फिर फाइनेंशियली हो, गगन हमेशा सबकी मदद किया करता था। गगन के इस स्वभाव के वजह से जहाँ पर वो रहा करता था, वहाँ सारे लोग उसकी बहुत इज्जत किया करते थे। लेकिन ये चीज़ें इतना बढ़ चढ़ कर करने की वजह से गगन को कभी कभी उसकी पत्नी की डांट भी सुननी पड़ती थी। वो हमेशा एक ही बात समझाती और सुनाती थी कि देखिए, मैं आपको किसी के लिए कुछ भी करने से कभी मना नहीं करती हूँ, लेकिन आप समझते क्यों नहीं हैं? हमारे पास ऐसा नहीं है कि बहुत सारी धन दौलत है या कोई कुबेर का खजाना गड़ा हुआ है। अगर ऐसा होता तो मैं आपको कभी नहीं मना करती कि आप किसी की मदद पैसे से करें, लेकिन आप ये भी तो सोचिए, आपके घर में खुद की एक जवान बेटी है जिसकी आपको शादी करनी है, आपको उसके लिए भी तो पैसे जोड़ने के सोचने चाहिए। लेकिन गगन हंसकर हमेशा कहता, अरे सब हो जाएगा, वक्त आने पर सब अपने आप हो जाता है, तुम फ्यूचर की चिंता अभी से क्यों कर रही हो? तुमने क्या लड़का ढूंढ लिया अपनी बेटी के लिए? जब ढूंढ लोगी तब सारी चीजें देखना वैसे ही होंगी जैसे कि होनी चाहिए। लेकिन उसके इस तर्कों से उसकी पत्नी कभी भी माना नहीं करती थी। वो हमेशा गगन से छुपा कर बचा कर छोटी मोटी बचत कर ही लिया करती थी, ठीक वैसे ही जैसे कि हर सामान्य घर की औरतें किया करती हैं। गगन की बेटी की पढ़ाई बहुत अच्छे से पूरी हो चुकी थी। गगन की बेटी उसकी लाडली थी और अब वक्त था उसके लिए कोई अच्छा लायक लड़का ढूंढने का। गगन ने ये तलाश भी शुरू कर दी थी। साथ ही साथ उसकी माँ भी अपने हिसाब से लड़कों के बारे में जांच पड़ताल कर रही थी कि कहीं से भी कोई भी अच्छा रिश्ता मिले तो हम बात आगे बढ़ाएं। ऐसे ही देखते देखते धीरे धीरे एक रिश्ता ऐसा मिल ही गया जो कि उन्हें अपनी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा जच चुका था। वो रिश्ता ऐसा था जिसको वो ये समझ रहे थे कि कहीं ना कहीं ये शायद गगन के अच्छे कर्मों का ही नतीजा है। वो लड़का बहुत अच्छे परिवार से था, बहुत अच्छे स्वभाव का था, धन दौलत की बिल्कुल कोई कमी नहीं थी। उन्होंने शादी में किसी तरह की कोई मांग भी नहीं रखी थी, लेकिन गगन खुद अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ करना चाहता था। उसके भी सपने अपनी बेटी के लिए ठीक वैसे ही थे जैसे कि हर पिता के होते हैं। और
शादी की बात तय हो चुकी थी, शादी का डेट भी रख दिया गया। दोनों माता पिता शादी की तैयारियों में जोर शोर से लगे हुए थे। गगन काफ़ी सारी चीज़ें करना चाहता था और उसके लिए उसने जहाँ भी इधर उधर अपने पैसे दे रखे थे वो सारे पैसे वो जाकर मांगता। और अच्छी बात तो ये थी, कहीं से भी उसे इनकार नहीं मिला था। तैयारियाँ बहुत अच्छे से चल रही थीं। तैयारियों में बाकी के लोग भी बढ़ चढ़ कर शामिल हो रहे थे। सब कुछ जितना अच्छा चल रहा था, अब गगन की ये आखिरी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से पूरी होने वाली थी। गगन थक हार कर जब भी घर पर आता वो हमेशा अपनी पत्नी से एक ही बात कहता, देखा मैंने तुमको कहा था ना, जब जो चीज़ जैसी होनी चाहिए वैसी हो ही जाएगी। और अब देखो तुम्हारी और मेरी बेटी एक ऐसे घर में जा रही है जिस घर का सपना भी शायद हम तीनों में से किसी ने नहीं देखा होगा। ये सब कहीं ना कहीं मानो या मत मानो, जिन लोगों की मदद हमने आड़े वक्त पर की है उनकी ही दुआओं का और आशीर्वाद का फल है। अब जबकि सच में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था, गगन की पत्नी भी इस बात पर राजी थी। धीरे धीरे शादी का दिन नज़दीक आता जा रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे तैयारियां पूरी हो ही नहीं रही हैं। कहीं कुछ बाकी रह जाता तो कहीं किसी बात की कमी महसूस होती। गगन हर दिन सुबह निकलकर सीधे रात को थका हारा घर पर आया करता था और ऐसी ही तैयारियां करते करते उसने लोगों से अपने दिए हुए पैसे तो ले लिए थे, लेकिन गगन के मुताबिक अभी भी उतने पैसे नहीं इकट्ठा हुए थे जितने का खर्चा उसे सामने नज़र आ रहा था। गगन काफ़ी परेशान था और तभी उसे अचानक याद आया कि दूसरे शहर में उसने एक इंसान को काफ़ी साल पहले एक अच्छी बड़ी रकम से मदद की थी। अब गगन को वो पैसे चाहिए थे। उस समय फ़ोन की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, इस वजह से गगन ने ये तय किया कि वो उस इंसान के पास जाएगा और जाकर उससे अपने दिए हुए पैसे मांगकर लेकर आएगा। गगन ये बात अपनी पत्नी को बताकर अगले दिन सुबह सुबह ही अपनी मोटरसाइकिल पर अगले शहर जाने के लिए निकल गया। दूरी बहुत ज़्यादा नहीं थी, इतनी थी कि आप सुबह सुबह जाकर देर रात तक लौटकर आ सकते हैं। गगन रास्ते में जा रहा था और मन में यही सोच रहा था कि उसके पैसे मिलने पर वो क्या क्या कैसे कैसे करेगा, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी जैसे बाकी के लोगों ने पैसे दे दिए थे वैसे वो इंसान भी गगन को पैसे दे ही देगा। गगन उस इंसान के यहाँ पर पहुँचा, वहाँ जहाँ की एक छोटा कच्चा पक्का सा मकान हुआ करता था, आज इतने सालों बाद वहाँ पर एक बड़ा बंगला था। पहले तो उस बंगले को देखकर गगन के मन में थोड़ी सी आशंका आई कि ये बंगला उस आदमी का कैसे हो सकता है, और अगर ये बंगला उस आदमी का है तो उसने मेरे पैसे अभी तक क्यों नहीं दिए। गगन उस घर के अंदर जाने से पहले हिचकिचा रहा था। उस बड़े से बंगले के बाहर एक दरबान बैठा हुआ था। गगन धीरे धीरे उसके नज़दीक गया और उससे जाकर उस आदमी का नाम लेते हुए पूछने लगा कि ये यहाँ पर रहते हैं क्या। उसने तुरंत कहा, हाँ हाँ ये तो मेरे मालिक हैं, ये इसी बंगले में रहते हैं। इतना सुनकर गगन के चेहरे पर एक तसल्ली और एक मुस्कान आ गई कि चलो अब जब ये इतना बड़ा आदमी बन गया है तो इसके लिए इतनी बड़ी रकम देना कोई बड़ी बात तो नहीं होगी, ये तुरंत ये पैसे दे देगा जिससे गगन की बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। और गगन उससे पूछकर अंदर जाने लगा, लेकिन दरबान ने उसे बाहर ही रोका और कहा, मैं पहले पूछकर आता हूँ फिर आप अंदर जाना। गगन वहीं बाहर खड़ा
इंतजार कर रहा था। दरबान अंदर जाकर पूछ कर आया। गगन को अंदर जाने की इजाजत मिल चुकी थी। गगन धीरे धीरे उस बड़े से महल जैसे घर को देखता हुआ अंदर जा रहा था, और जब वो अंदर पहुंचा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो घर बाहर से जितना सुंदर था उससे भी कई गुना ज़्यादा खूबसूरत वो अंदर से था, क्योंकि उसके अंदर ऐसी महंगी महंगी चीज़ों से सजावट की गई थी, जैसी चीज़ें उस वक्त पर लोगों को देखना भी नसीब नहीं होती थी। गगन वहीं बैठकर इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी ही देर में वो आदमी सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ आया और गगन को देखकर अजीब से तरीके से मुस्कुराते हुए कहने लगा, और बताओ गगन, यहाँ क्या कर रहे हो और आज हमारे दरवाजे पर आने की क्या ज़रूरत पड़ गई? गगन तुरंत उठा। अपने विनम्र स्वभाव के अनुसार उसने हाथ जोड़कर नमस्ते किया और फिर कहने लगा, मेरी बेटी की शादी तय हो गई है और मैं यहाँ पर अपने दिए हुए पैसे लेने आया हूँ। मित्र, मैंने जो तुम्हें पैसे दिए थे उन पैसों की मुझे अभी सख्त ज़रूरत है, वरना तुम्हें तो पता है मैं इतने सालों में इधर एक बार भी तुमसे पैसे मांगने नहीं आया। ये सुनते ही उस आदमी ने अजीब से तीखे स्वर में अपनी आवाज़ चढ़ाते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो, कौन से पैसे, कब दिए तुमने मुझे पैसे जो तुम पैसे मांगने चले आए? मतलब आज भी वैसे ही भिखारी के भिखारी ही हो क्या? और भी कई सारी गंदी बुरी बुरी बातें, जिसका अंदाज़ा भी गगन को नहीं था, क्योंकि उस आदमी ने जब उसे पैसे की ज़रूरत थी गगन ने वो पैसे उठाकर दिए थे जो पैसे उसकी पत्नी ने अपनी बेटी के शादी के लिए सालों से इकट्ठा करके रखे थे। उसके अलावा उन्होंने अपने कुछ गहने भी बेचकर उस आदमी की ज़रूरत को पूरा किया था। और आज जब गगन के बेटी की शादी है और उसे उन पैसों की इतनी ज़रूरत है, तब वो उसी के दिए हुए पैसे उसे लौटाने की बजाय उसे अपमानित कर रहा था। गगन को ये सारी बातें बहुत बुरी लगी, फिर भी उसने सर झुकाकर उसे सारी बातें याद दिलाते हुए ये कोशिश की कि उसे उसके पैसे मिल जाएं। लेकिन जब इंसान के मन में बेईमानी आ जाती है तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप करोड़पति हैं या अरबपति। बेईमानी अच्छे अच्छे बड़े बड़े धनवानों की भी नियत को बिगाड़ देती है। यही चीज़ यहाँ पर हो रही थी, जबकि अब उस इंसान की हालत को देखकर ये कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो रकम अभी देना उसके लिए कोई बड़ी बात होगी। लेकिन उसने गगन की मन भर की बेइज्जती की और फिर धक्के देकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। गगन ने बहुत मिन्नतें की कि उसकी बेटी की शादी है, वो शादी नहीं हो पाएगी या फिर उसमें अड़चने आएंगी। उसने अपनी कसम दी, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन गगन को धक्के मारकर सड़क पर फेंक दिया गया। गगन थोड़ी देर तक वहीं पर बैठा हुआ रोता रहा। उसके बाद उदास मन से उठकर अपने घर वापस जाने के लिए निकल गया। लेकिन आज गगन का जितना अपमान हुआ था उतना अपमान उसका पूरी जिंदगी में कभी नहीं हुआ था। गगन के दिमाग से वो बातें तो नहीं जा रही थी, उसके साथ साथ उसके मन में ये परेशानी भी चल रही थी कि अब वो अपनी बेटी की शादी जिस तरह से करना चाहता है वैसे कैसे कर पाएगा? अब वो क्या करेगा? उसे पैसे कहाँ से मिलेंगे? वो काफ़ी परेशान था और इसी उथल पुथल में गाड़ी चलाए जा रहा था। और अचानक तभी गगन के सामने से कहाँ से रास्ते पर ट्रक आया, उसे ये पता भी नहीं चला। गगन वहीं ट्रक से टकराकर सड़क के किनारे गिर गया। उसे बहुत चोट लगी थी। ट्रक वाला भी
उसे धक्का देकर वहां से जा चुका था। वहां से जाने के बाद गगन काफी देर तक वहीं सड़क के किनारे पड़ा छटपटाता रहा। उसके शरीर से खून लगातार बहता जा रहा था। गगन की हालत इतनी खराब थी कि खून बहुत ज्यादा बहने के वजह से गगन की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। गगन अभी भी लगातार एक ही बात बोल रहा था, मेरी मदद करो कोई, मेरी बेटी की शादी है, मेरी मदद करो कोई, मैं अब क्या करूँगा, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी। उसके मुंह पे अभी भी वही सारी बातें थी जो बातें उसके दिमाग में चल रही थी। वो तड़प रहा था लेकिन वहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं था उसकी पुकार सुनने वाला। गगन की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी और वो वहीं सड़क के किनारे बेहोश हो गया। इधर उसके घर पर इतनी देर तक ना पहुंचने के वजह से उसकी पत्नी, उसकी बेटी काफ़ी परेशान थे। वो दोनों बहुत बेचैनी से अपने पति और पापा का इंतज़ार कर रहे थे। बार बार कभी दरवाजे पर जाते, कभी खिड़की पर, लेकिन काफ़ी देर होने पर भी गगन वापस नहीं आया। और देखते ही देखते अगली सुबह हो गई। अगली सुबह होते ही अब गगन की पत्नी काफ़ी परेशान हो चुकी थी। वो तुरंत अपने पड़ोसियों से मदद मांगने के लिए गई। यहाँ बात गगन की थी इसलिए कोई भी साथ देने में चूका नहीं। सब लोग तुरंत उसके साथ मिलकर गगन की खोज में निकल गए। पुलिस वालों को भी खबर कर दी गई और हर तरफ गगन की ढूंढ मच गई। लेकिन गगन का कहीं भी कुछ भी पता नहीं चल रहा था और उस इंसान के पास पहुंचकर भी लोगों ने इंक्वायरी की। उसने तो साफ साफ मना ही कर दिया कि वो गगन नाम के किसी इंसान को जानता ही नहीं है। लेकिन काफ़ी पूछताछ और मिन्नतों के बाद गगन जिसके पास गया था उसके वॉचमैन ने ये बात बता दी कि हाँ वो आया था और उसे धक्के देकर यहाँ से निकाल दिया गया। उसके बाद वो शाम को ही वापस जा चुका था। अब गगन की पत्नी ये सारी बातें सुनकर काफ़ी परेशान हो चुकी थी। लोग भी बहुत बेचैनी से गगन को ढूंढ रहे थे। धीरे धीरे शादी की तारीख नज़दीक आती जा रही थी और शादी ऐसे रोकी भी नहीं जा सकती थी, इसलिए तैयारियां जैसे तैसे पूरी की जा रही थी और शादी की डेट अब अगले दिन की ही थी। आज काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत थी और गगन की पत्नी के पास पैसे बिल्कुल नहीं थे। लोगों ने ये बातें जानकर थोड़ी बहुत मदद जिससे जितनी बन सकी सबने किया, लेकिन वो पैसे पूरे नहीं पड़ रहे थे। फिर भी शादी की तैयारियां हो रही थीं। अब आस पड़ोस के लोग शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। तभी अचानक सामने से सबको गगन आता हुआ दिखा और गगन के चेहरे पर, हाथों पर थोड़ी बहुत खरोचे थी। और गगन जब घर की तरफ आया सब लोग उसे घेर कर यही पूछने लगे, अरे गगन भैया कहाँ चले गए थे आप, हम सब कितना ढूंढ रहे थे आपको, आपकी पत्नी आपकी बेटी कितना परेशान हुई, कितना रोई हैं, आपको पता भी है हम सब आपको ढूंढने के लिए गए थे लेकिन आपका कहीं कुछ पता ही नहीं चला। गगन ने सारी बातें बता दी और ये भी बताया कि उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था जिसके वजह से वो कुछ दिन तक अस्पताल में था। अब गगन को सामने और अच्छा देखकर सबको बहुत खुशी हो रही थी। पत्नी और बेटी गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी क्योंकि उनके मन में एक जो अजीब सा डर था वो डर सच नहीं हुआ। उनके सामने उनके पति, उनके पिता सही सलामत खड़े हैं, चाहे वो कुछ दिनों के लिए गायब ही क्यों ना थे। अब गगन वापस से शादी की तैयारी में जोर शोर से लग चुका था। गगन आते वक्त पता नहीं कहाँ से लेकिन काफ़ी सारे पैसों का इंतज़ाम करके लेके आया था। जो भी कमी थी वो कमी अब
पूरी हो चुकी थी। गगन ने जितना सोचा था उससे भी बढ़ चढ़कर उसने तैयारियां की। पत्नी ने जिन जिन लोगों से इतने दिनों में जितने पैसे लिए, गगन ने सबके पैसे वापस कर दिए। और ये शादी अब देखने में ऐसी जान पड़ती थी जैसे उस पूरे गांव की सबसे बड़ी शादी होने वाली है। सारी तैयारियां हो चुकी थी, अगले ही दिन शादी होनी थी। मंडप भी इतना सुंदर सजाया गया था जिसको देखकर आंखें हटती ही नहीं थीं। अब पूरी तैयारी हो चुकी थी, देखते ही देखते आज का दिन भी बीत चुका था। लेकिन आज की रात दोनों माता पिता पर बहुत भारी थी। खुशी तो थी कि बेटी बहुत अच्छे घर में जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक अलग सा भारीपन भी था। गगन की पत्नी गगन के कंधे पर सर रख कर लेटी हुई थी और वो उससे अपने मन की सारी बातें कहती जा रही थी। गगन भी चुपचाप सारी बातें सुन रहा था। गगन के इस तरह बातें सुनने पर और कुछ ना बोलने पर कहीं ना कहीं गगन की पत्नी को ये लग रहा था कि ये शायद अपनी बातें अभी मुझे नहीं बताना चाहते, क्योंकि अगर ये बोलेंगे तो इनके भी आंसू निकल आएंगे। इसलिए वो बस अपने मन की कहती रही। देखते ही देखते वो रात भी पूरी बीत चुकी थी और अगले सुबह से उस घर में एक अलग ही चहल पहल, दौड़ भाग सब कुछ लगा हुआ था। देखते ही देखते शाम भी हो गई, दरवाजे पर बारात आ चुकी थी। बारात का इतना भव्य स्वागत किया गया जिससे कि लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि किसी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि गगन इतनी बढ़ चढ़ कर हैसियत भी रखता होगा। गगन ने ये सारी तैयारियां कैसे की, कहीं ना कहीं ये सवाल कुछ लोगों के मन में भी थे, लेकिन अभी सब शादी को अच्छे से हो जाने देना चाहते थे। सब लोग शादी को एंजॉय कर रहे थे और शादी बहुत अच्छे से संपन्न भी हुई। शादी खत्म होने के बाद लड़की की विदाई कर दी गई। लड़की की विदाई के समय भी जो जो चीज़ें गगन ने देने को सोची थी उससे भी कई गुना ज़्यादा चीज़ें अब गगन ने अपनी बेटी के साथ दिया। उसके साथ साथ उन्होंने कुछ कैश भी अपनी बेटी को चुपके से दिया कि बेटी ये तुम्हारा स्त्री धन हुआ, इसे संभाल कर अपने पास रखना और कभी कोई ज़रूरत पड़े तभी इसे खर्च करना। बेटी ने मना तो किया लेकिन पिता की बात को वो टाल नहीं सकी और वो वहाँ से भीगी आँखों के साथ जा चुकी थी। विदाई भी अब खत्म हो चुकी थी। घर का वो शोरगुल सब कुछ बिल्कुल शांत पड़ गया था। एक सदस्य के घर से चले जाने से लग रहा था जैसे पूरा घर सूना पड़ चुका है। और आज रात अचानक से गगन अपनी पत्नी के पास आया और उसे अपने पास बिठाकर ये कहने लगा कि ये कुछ पैसे हैं, ये तुम अपने पास रखो और इसे संभाल कर रखना। जब ज़रूरत पड़े, जितना ज़रूरत पड़े खर्च कर लेना। मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ और कुछ दिनों के बाद ही वापस आऊँगा। तभी अचानक पत्नी की नज़र उनके अपोजिट में रखे आईने पर पड़ी। उसने देखा वहाँ पर उसकी परछाई तो नज़र आ रही थी, लेकिन गगन जो बिल्कुल उसके सामने बैठा था वो दिखाई नहीं दे रहा था। वो अब डर चुकी थी। उसने तुरंत अपने कदम को पीछे खींचा और कहा, तुम कौन हो? तुम मेरे पति तो नहीं हो? वैसे भी तुम जब से वापस आए हो मुझे काफ़ी अजीब सा लग रहा है। कौन हो तुम और तुमने मेरे पति के साथ क्या किया, बताओ मुझे। ये बात सुनते ही तुरंत वो अपने असली रूप में आ गया। उसका चेहरा कुछ और ही था, वो कोई और ही था। और उसने सारी बातें उस दिन की अब गगन की पत्नी को बताना शुरू किया। उसने बताया उस दोस्त के घर से जब गगन बेइज्जत होकर रास्ते पर आ रहा था तब अचानक गगन का एक्सीडेंट हुआ और गगन वहाँ सड़क के किनारे पड़े पड़े
तड़पते हुए तुम्हारे और अपनी बेटी के बारे में सोचते सोचते मर गया। गगन को वहां बचाने कोई नहीं आया, लेकिन गगन की सारी बातें मैं वहां पर सुन रहा था, क्योंकि मैं वहीं सड़क के किनारे लगे एक पेड़ पर मेरा निवास था और मैं कहीं ना कहीं गगन से जुड़ा हुआ हूँ। गगन ने अपने जीते जी एक बार मेरी भी मदद की थी। मैं हमेशा के लिए इस जाल में फंसकर रह गया था। मेरी मुक्ति नहीं हुई थी क्योंकि मुझे गगन के पैसे लौटाने थे और मुझे गगन की मदद करनी थी। मेरी मुक्ति तभी होती जब मैं गगन की मदद कर पाता, लेकिन मैं उस वक्त आत्मा के रूप में था। मैं चाह कर भी गगन की मदद उस वक्त नहीं कर पाया। मैं गगन को नहीं बचा पाया। गगन की मृत्यु मेरे सामने ही हो गई। तब मुझे ये एहसास हुआ कि अगर मुझे मेरी मुक्ति चाहिए तो मेरी मुक्ति का मार्ग यही है कि मैं गगन की आखिरी इच्छा को पूर्ण करूं, और मैं इसीलिए यहाँ पर आ गया ताकि गगन की बेटी की शादी उसके मर्जी के मुताबिक हो सके। इसी बात में हम दोनों की मुक्ति छुपी है। अब गगन की आत्मा भी आज़ाद हो जाएगी और मेरी आत्मा को भी मुक्ति मिल जाएगी। ये पैसे जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये कोई दया नहीं है, ये सिर्फ गगन के किए हुए अच्छे कर्मों का फल है। इसे रखो, ये तुम्हारी पूरी ज़िंदगी के लिए काम आएंगे। इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कह सकता। और इतना कहते ही वो आत्मा वहाँ से अदृश्य हो गई। ये सारी बातें सुनकर गगन की पत्नी फूट फूट कर रोने लगी। वो अब क्या करेगी? उसके लिए दुनिया में तो अब कुछ बचा ही नहीं, उसका तो पति ही चला गया। लेकिन उसे खुशी सिर्फ एक बात की थी कि उसके पति के अच्छे कर्मों ने उसके जाने के बाद भी उसका साथ दिया और उसके अधूरे काम को पूरा किया। अब गगन की पत्नी को ये बात अच्छे से पता थी कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए वो आस पड़ोस के कुछ लोगों की मदद से वहाँ पहुँच गई जहाँ बताया गया था कि गगन की लाश को उठाकर रखा गया है। और वहाँ जाकर वो गगन की लाश को लेकर आई, उसका अच्छे तरीके से अंतिम संस्कार किया। और गगन के जाने के बाद गगन की ही तरह अब उसकी पत्नी हमेशा हर किसी की मदद वैसे ही बढ़ चढ़ कर करने लगी। उसके बाद उनके ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आई, लेकिन एक कमी जो थी वो हमेशा के लिए थी, वो थी गगन की कमी। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर 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 बताइएगा। और अगर आप हमें अपना फीडबैक देते हैं तो कमेंट में अपना नाम, अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिएगा, जिससे कि मुझे पता चल सके कि आप अपना प्यार और सपोर्ट मुझे कौन से शहर से, कौन सी जगह से दे रहे हैं। आज मैं स्वागत करती हूँ हमारे फैमिली से जुड़े हुए एक नए मेंबर, जिन्होंने अपने नाम के साथ साथ अपने शहर का नाम भी बताया है। उनका नाम है तेजस, जो कि गुजरात से हैं। तेजस जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद। मैं आपको दिल से धन्यवाद देती हूँ और आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस परिवार डर का घर से जुड़ने के लिए। और थैंक यू सो मच, आपने मेरी बात सुनी और अपने प्यारे कमेंट के साथ साथ अपनी सारी डिटेल्स भी हमारे साथ शेयर की। अपने बाकी के भी सारे दोस्तों से यही उम्मीद करती हूँ कि वो भी अपना प्यार, अपना सपोर्ट मेरे साथ हमेशा ऐसे ही बनाए रखेंगे। और हाँ, अगर आप अपने साथ हुई किसी भी घटना को हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।